पक्का किया जा रहा है। पहले 2 साल पहले जब हम आया करते थे, पंजाब आते थे, जगह जगह जाते थे चुनाव प्रचार में, जहां देखते थे टंकी के ऊपर कर्मचारी चढ़े होते थे, आज सारे कर्मचारी अपने दफ्तर के अंदर काम कर रहे हैं। टंकी के ऊपर टीचर चढ़े होते थे, आज टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। टीचर वो टंकी पे नहीं चढ़े हुए, टीचर फॉरेन जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। दोस्तों, हमने रंगला पंजाब का सपना देखा था, आपने हम लोगों को वोट दिया था रंगला पंजाब बनाने के लिए, दिल्ली का काम देख के आप लोगों ने पंजाब के अंदर वोट दिया था। अब ये सारी पार्टी वाले बड़े दुखी हो गए हैं, इनको लग रहा है अब इनकी परमानेंट नौकरी गई, अब इनको दोबारा कोई वोट नहीं देगा। जैसे दिल्ली में 3 बार, पहली बार लोगों ने 28 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 67 सीट दी, तीसरी बार 70 में से 62 सीट दी, पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। ये सारी पार्टियां बहुत दुखी हैं, ये सारी पार्टियां अभी इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ, और ये सारों ने इकट्ठा होकर सारी केंद्र सरकार के पास गई, कुछ करो, इनके काम रोको, इनको काम करने से रोको, इन्होंने इतना काम कर दिया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये सारी पार्टियां केंद्र सरकार के पास गई और केंद्र सरकार ने बड़ा गंदा काम किया, उन्होंने पंजाब का सेहत का पैसा देना बंद कर दिया। बताइए, सेहत का पैसा भी कोई रोकता है? सेहत का पैसा करना बंद कर दिया, मान साहब ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, कहते तुम पैसे रोको, मैं और जनता के लिए सुविधा करूंगा, और सुविधा करूंगा। उन्होंने सड़कों का पैसा रोक दिया, मंडी के अंदर किसान आते हैं अपना माल बेचने के लिए, 5,500 करोड़ रुपए सड़क बनाने का पैसा रोक दिया, मान साहब ने कहा तुम पैसा नहीं देते मत दो, मैं और सड़कें बनाऊंगा अपने किसानों के लिए। हद तो तब हो गई जब इन्होंने नांदेड श्री हजूर साहब और पटना साहब श्री पटना साहब जाने वाली ट्रेन का भी इंजन रोक दिया, उन्होंने ट्रेन देनी बंद कर दी। परसों चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की कि हम आपको मत्था टेकने के लिए ट्रेन नहीं देंगे, मत्था टेकने जाने के लिए ट्रेन नहीं देंगे। कल रात को मान साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, बहुत दुखी थे कि हमारे लोगों को, पंजाब के लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार दुखी कर रही है। बताइए, कोई किसी, अगर आप किसी को मत्था टेकने में सहयोग करते हो तो थोड़ा पुण्य आपको भी लगता है, लेकिन अगर आप किसी को मत्था टेकने से रोकते हो तो फिर ऊपर वाला आपको माफ नहीं करता। तो मान साहब कह रहे थे मैं कुछ दिन सोचता हूं, इसका तरीका निकालेंगे, आपको नांदेड हजूर साहब और श्री हजूर साहब और श्री पटना साहब तो लेके जाएंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे, इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, ये जितना मर्जी काम रोक ले। दिल्ली में भी इन्होंने हमारे खूब काम रोकने की कोशिश की, कभी मोहल्ला क्लिनिक रोके, कभी सड़कें रोकी, कभी सीसीटीवी कैमरे, एक काम मैंने नहीं रुकने दिया, सारे काम दिल्ली में करे। इसी तरह से पंजाब का भी एक भी काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। आपका जो सपना था रंगला पंजाब का, वो रंगला पंजाब हम सारे मिलके बनाएंगे, पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ हम मिलके बनाएंगे। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी भारी संख्या में, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, चुनाव के लिए नहीं बुलाया, चुनावी रैली में तो लोग आ जाते हैं, आज 1125 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए, खुशी मनाने के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, इतना विश्वास किया, इतना प्यार दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत आभारी हैं आप लोगों के लिए जो आप इतना प्यार देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
बठिंडा निवासी और राज्य के मुबारक हूँ साढ़े महबूब ने तो अपने कर कमलों 1125 करोड़ रुपए की लागत न विकास क्रांति वाल वधे हुए कदमों का उद्घाटन कर रहे हैं। जोरदार ताड़ियां।